नाइजीरिया के दौरे पर जाएंगे पीएम। दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। ब्राजील और गुयाना भी जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया के लिए रवाना होंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी ब्राजील और गुयाना भी जाएंगे। नाइजीरिया गणराज्य के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के आमंत्रण पर पीएम मोदी पहले नाइजीरिया के लिए रवाना होंगे। 17 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नाइजीरिया यात्रा होगी। तो देखिए 17 साल में यह पहली नाइजीरिया यात्रा और कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। ब्राजील और गुयाना भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर आज नाइजीरिया के दौरे पर पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे और किस तरह से भारत के संबंध नाइजीरिया के साथ बेहतर हो सकते हैं इस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नाइजीरिया आज पीएम मोदी जाएंगे। ब्राजील और गुयाना में भी वो पहुंचेंगे। आज नाइजीरिया के दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। तो देखिए आज से 3 देशों के विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दौरों की शुरुआत होने जा रही है। 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 16-17 नवंबर को नाइजीरिया दौरे पर रहेंगे और नाइजीरिया की यात्रा के बाद ब्राजील पहुंचेंगे। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और शी जिनपिंग और जो बाइडेन से भी मिल सकते हैं पीएम मोदी। G20 सम्मेलन से इतर शी के साथ बैठक कर सकते हैं और इसके बाद वो गुयाना दौरे पर जाएंगे। 19 और 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर वो रहेंगे। वहीं 1968 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। सोचिए 1968 के बाद खुद नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पहले नाइजीरिया जाएंगे, उसके बाद ब्राजील गुयाना का भी दौरा करेंगे, क्या जानकारी है? ये बिल्कुल आपने पूजा सही कहा। अगर आज की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री 16 से 21 नवंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे, जहां सबसे पहले वो नाइजीरिया जाएंगे, जहां भारत के इतिहास में यानी 17 साल बाद कोई प्रधानमंत्री नाइजीरिया जा रहा है। उनकी ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां वो 16 से लेकर जो मैंने बताया 21 नवंबर तक रहेंगे। तो सबसे पहले नाइजीरिया जाएंगे और उसके बाद 18-19 नवंबर को वो जाएंगे ब्राजील। ब्राजील में G20 की बैठक होनी है, जो की ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, वहां पर बैठक होगी और बैठक में G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, जिसके साथ द्विपक्षीय बैठक होगी पीएम मोदी की कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से, और सिक्योरिटी और सहयोग के साथ कॉपरेशन को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। जहां सबसे बड़ी उम्मीद अब लगाई जा रही चाइना को लेकर, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर लिया गया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि खुद शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मिलेंगे, द्विपक्षीय बात होगी और संबंधों को मजबूत करने को लेकर और आगे इस तरह का कोई टकराव ना हो उसको लेकर बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं दुनिया की निगाहें होंगी द्विपक्षीय बैठक पे भारत और चाइना की, और उसके साथ रशिया के राष्ट्रपति से व्लादिमीर पुतिन से बात बैठक करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अब ये पहले मौका होगा जब खुद प्रधानमंत्री वहां जब पहुंचेंगे तो कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाइडेन से एक बार फिर मुलाकात करेंगे, और जो बाइडेन ये जो समय है वो उनके जाने यानी आखिरी कार्यकाल लगभग हो चुका है, ट्रंप जीत चुके हैं, तो उनके साथ भी
जो पक्षीय बैठक हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं एक नए दौर की या कहे जो बाइडन की आखिरी मुलाकातों में से एक होगी भारत के साथ एज ए राष्ट्रपति, तो कई बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। और उसके बाद आगे प्रधानमंत्री 21 तारीख को जब भारत आएंगे तो 3 दिवसीय दौरे यानी गुहाना में भी जाएंगे। पीएम गुहाना की अगर बात की तो गुहाना भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भारत लगातार अपने वर्चस्व को बढ़ाने को लेकर काम कर रहा है, रिश्ते अच्छे करने को लेकर। गुहाना के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी, सिक्योरिटी और कॉपरेशन बढ़ाने को लेकर बात होगी। तो कहीं ना कहीं 3 देशों के दौरे पर पीएम जाएंगे और उसको लेकर कहीं ना भारत की सिक्योरिटी कॉपरेशन तमाम चीजों को आगे बढ़ाने को लेकर काम किया जाएगा। और G20 अपने आप में एक बड़ा सम्मेलन होता है, तमाम राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनसे बात करने से लेकर तमाम चीजों को लेकर पीएम उस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। कई ऐसे विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे जो भारतीय जो बदलता भारत है, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उसका सीधा असर आपको देखने को G20 में भी मिलेगा। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं G20 तो बेहद महत्वपूर्ण हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जिस तरह आपने देखा होगा बीते कई बार से जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनका आगमन अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके द्वारा लिए गए डिसीजन को कई बार सर्वोपरि माना जाता है और कई बार इंतजार ये भी किया जाता है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट किसी भी मुद्दे पर होना चाहिए। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि अब ये जो ब्राजील, गुआना या फिर नाइजीरिया जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इस दौरान इकोनॉमिक तौर पर भी जो आयात है या फिर इंडिया में नौकरी जो है इसको लेकर भी बढ़ावा मिल सकता है आगे? पूजा, कई मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वेस्टमेंट भी भारत में आने को लेकर बात की जाएगी। सिक्योरिटी, आप देखिए नए वर्ल्ड ऑर्डर को, जैसे ही ट्रंप आए हैं, चुनाव जीता है, उसके बाद से ही दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो गई है। पहले जो वर्ल्ड जो बाइडन इस वक्त मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं माने जाते थे कि रशिया विरोधी है और तमाम जो नीतियां आई उनकी कहीं ना कहीं काटसा में जो रशिया पर प्रतिबंध लगाए यूक्रेन युद्ध के बाद, तो रशिया इस बार जैसे ही ट्रंप जीते तो कहीं ना कहीं वो उसके पॉजिटिव असर पर देख रहा। और अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा ट्रंप के आने के बाद, तो उसका जो मेन फोकस होगा वो चाइना होगा जी। इस वक्त एशिया के सबसे मजबूत देशों में से भारत और चाइना है, और इंडो पैसिफिक वो रीजन है जो दुनिया का 70% ट्रेड डील करता है और इंडिया उसमें एक बहुत बड़ा या कहें मजबूत पार्टनर है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश भारत के साथ आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बायलैटरल टॉक के साथ सिक्योरिटी मजबूत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड और फ्री स्पीच को लेकर बात करते हैं। यही कारण है कि अब जैसे ही ट्रंप आए, कई मुद्दों पर जैसे वीजा को लेकर हो सकता है कि नेगेटिव असर पड़े, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसीज होगी भारत की आज ही, यानी अमेरिका में कोई भी सरकार आए, चाहे जो बाइडन आए चाहे ट्रंप आए, भारत एक मजबूत की रोल होगा और वर्ल्ड ऑर्डर में एक मजबूत स्थिति होगी। ये चीज आपको G20 में भी देखने को मिलेगी। कई बड़े देश पीएम मोदी के साथ यानी भारत के साथ बायलैटरल टॉक करेंगे, जहां वो इंडो पैसिफिक सी से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर सिक्योरिटी कॉन्सर्न तमाम चीजों को लेकर बात की जाएगी और भारत आप देखेंगे एक मजबूत स्तंभ के साथ उन तमाम देशों के सामने खड़ा होगा, जिसको लेकर बायलैटरल टॉक्स के साथ सबसे बड़ी निगाहें चाइना और इंडिया के बायलैटरल टॉक्स पे होंगी, क्योंकि अभी जो तमाम चीजें हैं तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इंडिया और चाइना के बायलैटरल टॉक्स पे होंगी। आपको याद होगा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ लद्दाख में, पैंगोंग लेक में, तो उसके चलते बायलैटरल टॉक्स बंद थी और कई बार जयशंकर जो देश के विदेश मंत्री वो कह चुके थे कि जब तक समझौता नहीं होता या विवाद चलता तब तक इसी बातचीत की लेकर कोई गुंजाइश नहीं है। अब मामला सुलझा लिया गया है, समझौता हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आज बड़ी निगाहें भारत और चाइना के बायलैटरल टॉक्स के साथ US टॉक्स पर होंगी, रशिया टॉक्स पर होंगी और तमाम बायलैटरल जो होंगे बाकी अलग अलग देशों से, चाहे UAE की बात किया चाहे बाकी अलग देशों से, तो सबकी निगाहें भारत के ऊपर होंगी। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।